दगड़ियों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपको मेरा यूट्यूब चैनल फ्लाइंग व्हील्स में। तो आज हम जाना चाह ऋषिकेश और मी दगड़ी छिने अंकी और पोंकी। तो अभी हम ले जाना तुम थे अग्नि और अग्नि जगम जगम रुकना रोला वकुम वकुम तुम थे अच्छा अच्छा दृश्य दिखाना रोला। तो दोस्तों 40 सेंट क्रॉस करके हम आ चुके हैं काफ़ी आगे और अब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं थोड़ा सा। तो देखिए दोस्तों कितनी सुंदर जगह है ये। ये देखिए नीचे आपको एक गांव दिखाता हूँ मैं, बहुत ही अच्छी जगह में है। देखिए दोस्तों ये कितना सुंदर गांव है, ये देखो बिल्कुल पहाड़ों की गोद में बसा ये बहुत ही सुंदर गाँव। और नीचे देखिए बहुत ही गहरी खाई है और यहाँ पर ये देखिए नई नई सड़कें कट रही हैं। जब सारे गाँव का प्लान हो चुका है तब यहाँ पर ये सड़कें आ रही हैं। तो अब ये सड़कें किस काम की जब लोग यहाँ से पूरा प्लान हो चुका है। ये देखिए दोस्तों कितनी प्यारी जगह है ये। सो गाइस अब लेके चलते हैं आपको आगे और अभी ऋषिकेश लगभग यहाँ पे 70 से 80 किलोमीटर और बचा हुआ है। सो गाइज आज हमारा ऋषिकेश नीलकंठ जाने का मेन मोटिव ये है कि कल है हमारे छोटे भांजे का बर्थडे और हम तीन लोग जा रहे हैं इधर से सिलोगी चोलीसैंण होके और मम्मी और मामी लोग जा रहे हैं हरिद्वार होके। सो गाइज अब यहाँ से बस ज़्यादा दूर नहीं है, अभी हमें लगने वाला है लगभग 1 से 1.5 घंटा और। सो गाइज लेके चलते हैं आपको आगे। दादी वीडियो बना। हाँ आजकल तो घास घूस भी नहीं है ना उन्हें। हाँ हम जान रही सके लक्ष्मण झूला रुके हुए हैं देवीखाल में और यहाँ पे हम चाय वाय पियेंगे उसके बाद हम निकलेंगे आगे। सो गाइस अभी बन रही है चाय, तब तक आपको दिखाते हैं यहाँ का एक प्यारा सा मंदिर। ये देखिए ऊपर चोटी में एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर है। यहाँ पे देखिए गाइस यहाँ पे ये ठीक इस जगह पे ये देखिए बहुत ही सुंदर मंदिर है वो। और यहाँ पे एक गाँव पड़ता है नीचे, उसको अभी दिखाते हैं आपको। ये है गाँव कठूर बड़ा। आगे वाली पहाड़ी पे ये जो लगे हुए हैं ये है सोलर प्लांट। ये देखिए पूरे बहुत सारे लगे हुए हैं, ये इस साइड भी लगे हुए थे लेकिन हम थोड़ा कैप्चर करना भूल गए। ये देखिए गाइस ये एक और सोलर प्लांट आ चुका है। ये देखिए कितना मस्त लग रहा है ये।
और दोस्तों अभी जो मैं आपको सोलर प्लांट दिखाए इनके द्वारा जो बिजली का उत्पादन किया जाता है इसको यूपीसीएल द्वारा खरीदा जाता है और फिर इसका वितरण किया जाता है आम जनता के लिए। ओ माय गॉड, यहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे अभी रोड का काम चल रहा है। ये ऊपर से ये देखिए गाइस, यहाँ ऊपर से पत्थर आ जाते हैं ये, और ये रोड में बिल्कुल अवरुद्ध बन जाते हैं। इसने यहाँ पे हर टाइम पे जेसीबी लगा रहता है पूरी रोड में। सो गाइस अभी हमें थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगने वाला है मुझे लग रहा है। देखिए गाइस ये स्कूल के बच्चे कहाँ बैठे हुए हैं, ये देखिए कितनी मस्त जगह में बैठे हुए हैं एकदम छाया में। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ऋषिकेश कर्णप्रयाग वाली लाइन पे जो एक रेलवे स्टेशन है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी इस पे थोड़ा सा काम चल रहा है। यह है रेलवे स्टेशन, ये अभी बन रहा है, इसमें अभी काफ़ी काम चल रहा है। ये देखिए दोस्तों, और इसके ठीक बगल में है ये है गंगा नदी। ये देखिए दोस्तों ये गंगा नदी है। गाइस अब हम पहुंच चुके हैं जंपिंग हाइट के सामने, तो आपको दिखाते हैं जंपिंग हाइट। ये देखिए गाइस ये है, और यहां से जंप की जाती है और सीधे नीचे। ये देखिए गाइस ये लगभग 50 मीटर की ऊंचाई है इसकी। ये देखिए गाइस तो गाइज अब हम पहुंच चुके हैं मोहन चट्टी नाम की जगह पे। ये देखिए गाइज यहाँ पे ये स्पॉट जो है कैंपिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये देखिए गाइज यहाँ पे बहुत सारे कैंपिंग स्पॉट हैं। तो गाइज मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाइज ये है मोहन चट्टी कैंपिंग एरिया। देखिए कितनी खूबसूरत जगह है ये, चारों ओर से सुंदर सी पहाड़ियों से घिरी हुई है जगह, बहुत ही प्यारी जगह है। अगर आपको भी कभी मौका मिलता है यहाँ कैंपिंग करने का तो जरूर आइए। ऋषिकेश से मात्र 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे यह बसा हुआ है। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं यहाँ नीलकंठ में, और ये है डुगू। हाय बोलो बेटा। सो गाइस ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।